गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसे बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की हमेशा चिंता सताती रहती। गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता जितना परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती, जिनसे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजारा हो रहा था, तो एक गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हो, क्योंकि इस छोटे से खेत में हम लोगों का गुजारा तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई अच्छा काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी के विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था, उसका कोई जानने वाला नहीं था। काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया। अचानक से उस व्यक्ति का पर्स ज़मीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे जो बहुत कीमती थे। फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया, तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया। फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिससे उस व्यक्ति का घर का पता भी था। किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था। गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलने के लिए बंगले के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकाले और गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते बोला, साहब भले ही गरीब है, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें काम दिला दें तो बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ, बोला, अगर आप काम चाहते हो तो आप किसान हैं तो आपके पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी होगी, तो चाहो तो हमारे इस बगीचे के लिए मालिक के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ करने के लिए काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे।
कहानी से शिक्षा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी किसी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उस समय तो पैसे तो ज़रूर मिल जाते लेकिन काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकरें खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास ईमानदारी का गुण है तो उसके साथ जीवन जीते हैं हमेशा अच्छा ही होगा।